जुमे की नमाज के मद्देनजर डीएम एसएसपी ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक आयोजित की। इस दौरान पहले की तरह शांतिपूर्वक माहौल बनाने के लिए सहयोग की अपील की गई। वहीं सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों से युवाओं को दूर रखने तथा माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटने की बात की गई। पिछले दिनों बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी कर दी थी, जिसके बाद से लोग उनके बयान का विरोध व उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद लखनऊ, प्रयागराज व सहारनपुर सहित अन्य स्थानों पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बवाल कर दिया गया था, लेकिन जनपद शामली सहित कैराना में जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हो गई थी। आगामी शुक्रवार को जुमे की नमाज के मद्देनजर पुलिस प्रशासन फिर से अलर्ट हो गया है। गुरुवार को डीएम जसजीत कौर, एसएसपी सुकृति माधव ने कैराना कोतवाली परिसर में धर्मगुरुओं के साथ एक बैठक आयोजित की। बैठक में डीएम ने कहा कि इस समय माहौल बहुत ही संवेदनशील बना है। जो अमन चैन की मिसाल जनपद में बनी है, वो मिसाल आगे भी बनी रहे। उन्होंने धर्मगुरुओं से युवाओं को समझाने तथा सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बिना वजह की कई अफवाहें चलती रहती हैं, जिसके बाद युवा तुरंत रिएक्शन दे देते हैं, जिससे माहौल खराब होने की आशंका रहती है। उन्होंने कहा कि कहीं अगर माहौल सही नहीं लग रहा तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दी जाए। कल जुमे की नमाज पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में सभी से सहयोग की अपील की गई। जुमे के दिन जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती रहेगी। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। अगर कोई ज्ञापन देना चाहते हैं तो जुमे के दिन को छोड़कर अन्य दिनों में पुलिस प्रशासन को सूचना देने के बाद ज्ञापन दे सकते हैं। धर्मगुरुओं के साथ मैडम मीटिंग की है, किस संबंध में मीटिंग कर रही हैं? आज मेरे द्वारा और कप्तान साहब द्वारा यहाँ पर कैराना थाने में धर्मगुरुओं से बैठक करी गई है। उसमें जिला पंचायत सदस्य, कुछ प्रधान, कुछ सम्मानित लोग भी हैं यहाँ कैराना के। कल हमारी यहाँ जुम्मे की नमाज है, उसी के संबंध में हम लोगों ने सबसे अपील करी है कि शांति व्यवस्था बना के रखेंगे, किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। हम लोगों ने सेक्टर जोनल स्कीम भी लागू करी है और लगातार हम लोग थानों पे बैठक कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट में भी हम लोगों ने बैठक करी है एक मैसेज देने के लिए कि हमारा जो शामली जनपद का नाम है कहीं ख़राब ना हो, और जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमेशा से अच्छी रही है और आगे भी अच्छी बनी रहे। क्या मैडम जुमे की नमाज है, कल अतिरिक्त पुलिस फोर्स की किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है? अतिरिक्त पुलिस फोर्स हम लोगों को अलॉटमेंट हुआ है, उनको यूटिलाइज करेंगे, और सेक्टर जोनल स्कीम हम लोगों ने लागू करी है जिसमें जिला स्तरीय अधिकारियों को भी ड्यूटी दी है। वो लोग भ्रमणशील रहेंगे सुबह से, और यदि कोई ऐसी सिचुएशन, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आती है तो हमें सूचित करेंगे। अगर कोई ज्ञापन देना चाहे उसके लिए क्या व्यवस्था है मैडम? ज्ञापन देने की व्यवस्था हम लोगों ने सबसे यही अपील करी है कि आज के दिन में या बाद में शनिवार में देंगे, कल के दिन में नहीं देंगे, और पहले से सूचित करके संबंधित SHO को, SDM को पहले से बता दें तो हम उसकी जो व्यवस्था है वो बनाएंगे।